नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं उदयपुर की सुसारमा नदी का सीधा दृश्य और अभी आ रही है 4.5 फीट नदी और कुछ ही देर में देखते ही देखते नदी 5 फीट तक पहुंचने जा रही है। अभी आज रविवार का दिन है क्योंकि उदयपुर में संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति है, फिर भी जो सैलानी है उदयपुर के जो आसपास के रहने वाले लोग भारी संख्या में नदी देखने के लिए पहुँचे हैं। हम भी नदी का दृश्य देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं सीधा नज़ारा सिसारमा की नदी का है। 23 अगस्त 2020 और आज रविवार का दिन है। नदी सुबह सुबह जो प्रातः बताया 5.5 फीट तक नदी रिकॉर्ड की गई थी और मुझे लगता है कि अभी जो पूरे दिन से बरसात जमा हुई है तो 7 फीट से भी अधिक नदी आ सकती है। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल की ज़्यादा से ज़्यादा बचत करनी चाहिए। देखिए आप एक एक पहाड़ों से बूंद बूंद करके पानी किस तरह से जो है नदी में आता है और नदी का पानी किस तरह सरोवर और झीलों में जाता है, इससे हमारी उदयपुर की सुंदर झीलें बन जाती हैं। आइए सभी मिलकर उदयपुर की स्वच्छता का पालन करें, नदियों में गंदगी ना रहे। तो भाई कैसे चल रही नदी? वो तो कैसे ले रही आ रही नदी लाइफ नदी अच्छी चल रही है। नदी अच्छी चल रही है, नदी ये रही इधर इधर थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। 4 फीट ऊपर कर रही है, कर रही है ऊपर। हाँ ऊपर कर रही है, बढ़ रही है, लेवल बढ़ता जा रहा है तो पानी चलता जा रहा है। थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ता रह रहा है, धीरे धीरे मज़ेदार नज़ारा है। नदी के कुछ दृश्य ले लेते अभी देख दो। क्या नजारा है साहब? मजा आ रहा है भाई, 4.5 फीट नदी चल रही है सिसार में। देखा अभी आज जिस हिसाब से उदयपुर में बारिश हुई है, लोगों को ये लगा है कि भाई आज पानी की काफ़ी डिमांड थी, उदयपुर में बारिश नहीं हो रही है तो आज देखने को मिला 2 घंटे की बारिश में सिसारमा 4.5 फीट के समथिंग ऊपर पहुंच चुकी है और लोगों को बहुत उत्साहित होने के लिए यहाँ देखने के लिए काफ़ी भीड़ हो रही है। तो लोगों को काफ़ी खुशियाँ मिल रही है तो मतलब हम देखें, इसलिए देखने के लिए बहुत काफ़ी लोग आए हैं। वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में नहीं होता तो काफ़ी भीड़ होती है बड़े बेड़ो बड़े फर्क पड़े सकते हैं। सीधा नज़ारा है सिसारमा नदी का है, करीब 5 फीट जो है होने वाली है नदी। धीरे जो जलस्तर है पानी का लगातार बढ़ता जा रहा है। उदयपुर के जो हमारे सैलानी हैं, उदयपुरवासी हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे जो दृश्य है उदयपुर के सैलानी, अगर उदयपुर में आज अगर रविवार का अगर बंद नहीं होता तो मुझे लगता है कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते। एक और तो बादलों से पानी बरस रहा है, वहीं दूसरी ओर नदी भी उफान पर है। तीसरी ओर आप देखें कि बिजली के लगातार तारों से जो है आग निकलती हुई दिखाई दे रही है, शॉर्ट सर्किट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जहां पानी गिरता है वहां ऐसी छोटी बड़ी समस्याएं भी उत्पन्न होती रहती है, लेकिन जल है तो जीवन है, जल की बचत हमें करनी चाहिए और बिजली विभाग को भी इस समय बरसात के समय चौगुना रहना चाहिए क्योंकि किसी भी समय कुछ भी हादसा हो सकता है। सिसारमा नदी का दृश्य है शानदार, 5 फीट से ऊपर होने वाली है और अब लगातार जो है आवक बढ़ती जा रही है, देख सकते हैं। उदयपुर में रविवार को रुक रुक कर तेज़ वर्षा हो रही है,
और आप देख सकते हैं कि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि 5 फीट तो हो गया, अब 6 फीट होने वाला है। कहना चाहेंगे सामने गेज है, नदी का आनंद हो रहा है। हाँ ये चल रहा है। हाँ